कुशलगढ़ में तो साहब बीजू तो सारी ठीक है, प्रवासी लोग ये, बाकी ये बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा है। लड़के पढ़े लिखे हैं फिर भी मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, इस वजह से कि लोग हमारा गुजरात जाए। एक तो राजस्थान में लास्ट एक है हमारा ज़िला, तो सरकार भी बराबर ध्यान नहीं दे, कोई नौकरी आए तो उधर ही वो हो जाता है, नहीं इधर हम वर्चित यहाँ के लोग रह जाते हैं। इधर पे आ गए, इधर गुजरात सीमे, तीन राज्य के सीमे पे है, तो फिर लोग फिर मजदूरी पे चले जाते हैं, गुजरात जाते हैं, गुजरात जाने वाले गुजरात जाते हैं, एमपी जाने वाले एमपी में जाते हैं, फिर मजदूरी नहीं करें तो फिर भरण पोषण कैसे करेंगे। जी मैं खेरदा से हूँ और गुजरात जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए, ये सिविल वाला कड़िया काम, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम खेती में काम करते हैं, खेती में भरपाई नहीं हो पाती है, इसके लिए हमें मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी से अपना राशन परिवार घर चलाते हैं। 300 से 350 मजदूरी मिलती है रोज़ की, लगभग 8-10 साल से करें मजदूरी, 1-2 महीने तक काम करेंगे, मजदूरी करके वापस आएंगे घर, घर में 8-10 दिन रहेंगे, 8-10 दिन तक रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। हम सूरत जाते हैं, सूरत मजदूरी करने जाते हैं, घर में समस्या है, 20,000 बेचते हैं, 15,000 बेचते हैं, जैसे मांगते वैसे पैसा, फिर लगनवाड़ी आ जाती है, इसमें भेजना पड़ता है, घर पे माँ बाप संभालता है, लगन आ जाता है इसमें, फिर खेत में पानी पिलाने का पैसा भेजना पड़ता है, गाय का घास पट जाता है इसको भेजना पड़ता है, परिवार हो गया इसका खाने का पैसा भेजना पड़ता है, इसलिए रहना पड़ता है। खाते में डाल देते हैं, मेरी मम्मी है ना वो डाल देते, तो मेरी मम्मी निकाल लेती है एक, वो चीज़ें भाई ये बहुत बढ़िया है।